खान नदी का गंदा पानी शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए कच्चा स्टॉप डैम बनाया गया था, जो कि ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और बनाया गया कच्चा मिट्टी का डैम आखिरकार फूट गया और शिप्रा एक बार फिर प्रदूषित हो गई। जी हाँ, त्रिवेणी पर खान का पानी तेजी से आ रहा है, ऐसे में नदी में बनाए गए कच्चा स्टॉप डैम फूट गया। दरअसल रामवासा और पीपलिया राघो स्टॉप डैम में खान नदी का गंदा पानी ओवरफ्लो हो रहा है, साथ ही खान नदी डायवर्सन लाइन भी काम नहीं आ रही है, जिसके चलते मिट्टी का डैम दो दिन में लबालब हो गया था। मिट्टी के डैम को बहने से बचाने के लिए पाइप डाले गए थे ताकि पानी का दबाव कम हो सके। त्रिवेणी पर बनाया मिट्टी का डैम दो दिन में लबालब हो गया है। अब जल संसाधन विभाग इसे बहने से बचाने के लिए पाइप डालकर पानी कम करने में जुटा था। यदि पानी की आवक ऐसी ही रही तो यह डैम कभी बह सकता था। इंदौर की खान नदी के पानी को त्रिवेणी पर शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए मिट्टी का डैम बनाया गया था। यह डैम 4 दिसंबर 2021 को शनिश्चरी अमावस्या पर बह चुका है। मकर संक्रांति पर होने वाले स्नान के लिए नर्मदा का साफ पानी लिया गया। इस पानी को खान के प्रदूषण से बचाने के लिए मकर संक्रांति के एक दिन पहले मिट्टी के इस डैम को तैयार किया गया। 8 मीटर ऊंचे और 6 मीटर चौड़े मिट्टी के डैम से खान के पानी को त्रिवेणी की ओर से आने से रोका गया, लेकिन खान के पानी की आवक इतनी ज्यादा है लेकिन खान के पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि दो दिन में ही मिट्टी का यह डैम लबालब होने के करीब पहुंच गया। इसे डैम को खतरा उत्पन्न हो गया। खान के रामवासा और पीपलिया राघो स्टॉप डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। डायवर्सन लाइन चालू होने के बाद लिए ताबड़तोड़ इसमें पाइपलाइन डालने की जुगाड़ की है। पाइपलाइन से थोड़ा पानी त्रिवेणी की ओर छोड़ा, लेकिन पानी की आवक फिर भी नहीं रुकी। जल संसाधन के ई कमल कुवाल के अनुसार मिट्टी के डैम पर दबाव कम करने के लिए डैम के बीच पाइप डाले जा रहे थे। उसका लेवल काफी दो तीन दिन तक काफी बढ़ गया था जी, तो ओवर टॉप की स्थिति बन रही थी। तो हमने कल उसमें 4 1-1 फीट के पाइप डाले थे जी। उस पाइप के बाद भी रात भर में 1 से 1.25 फीट पानी बढ़ गया डैम में। फिर आज की स्थिति में सुबह 6 इंच से लेके 1 फीट की मार्जिन था हमारे पास में। फिर सुबह दोपहर में हमने फिर दोबारा से 3 पाइप डाले, उसके बाद भी पानी का लेवल कम नहीं हो रहा था। तो अभी फिर से हमने उसमें कट लगाया है, साइड से जहाँ शनि मंदिर की तरफ वाला हिस्सा है उसमें कट लगाया है, तो वहाँ से पानी अभी निकलने लगा है। तो इससे मतलब ज़्यादा डैम को नुकसान ना हो इसलिए हमने कट लगा के उसको पानी निकाला है।